नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है भक्कम नॉलेज। तो आज हम लेकर आए हैं COVID-19 यानी कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन के बारे में हम आपको नॉलेज देंगे। जैसा कि आपको पता है कि COVID-19 या जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, कोरोना वायरस एक वायरस है और इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम है COVID-19। COVID-19 से बचने के लिए या कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है सफाई, सैनिटाइजिंग का उपयोग करना, मास्क पहन के रहना और ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना जुलना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी उतना ही ज़रूरी है। वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है। वैक्सीनेशन लगवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन से कोई ख़तरा नहीं है। एक्सपर्ट डॉक्टर की निगरानी में वैक्सीनेशन किया जाता है, ये पूरी तरह सुरक्षित है, तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि COVID-19 से बचने के लिए वैक्सीन लगना पहले से ही चालू हो गया है, लेकिन अभी तक 45 वर्ष के ऊपर वाले को COVID-19 का वैक्सीन लगता था और अभी भी लग रहा है। अब आपको जानकर ये खुशी होगी कि 18 साल से ऊपर वाले सभी लोगों को कोविशील्ड या कोवैक्सीन का वैक्सीन लगने वाला है। COVID-19 के लिए दो प्रकार की वैक्सीन भारत में अवेलेबल है, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। इसके लिए www.covin.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए बताते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए, हमने अपना कंप्यूटर ऑन कर लिया है, अब हम करके दिखाएंगे COVID-19 के वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। हम इसका रजिस्ट्रेशन अपने डेस्कटॉप में कर सकते हैं या हम डायरेक्ट अपने मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ओपन करना होगा गूगल क्रोम या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो, आप उसको ओपन कर सकते हो। गूगल क्रोम या फायरफॉक्स या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो, आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से ओपन कर सकते हो। मोबाइल और कंप्यूटर का प्रोसेस सेम है। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए सिर्फ दो चीज़ें, एक मोबाइल नंबर और दूसरा आपका अपना आधार कार्ड। तो चलिए हम एक वेबसाइट में जाएंगे। वेबसाइट का नाम है www.covin.gov.in। जी हाँ, इस वेबसाइट पर आपको अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से चले जाना है। अपना इंटरनेट चालू कर लीजिएगा पहले। तो मैंने इंटरनेट चालू कर लिया है, ये वेबसाइट खुल गया है। वेबसाइट खुलते ही इसमें लिखा हुआ है एज 18 प्लस रजिस्ट्रेशन इज ओपन। इसमें लिख के आया है एज 18 प्लस रजिस्ट्रेशन ओपन। 18 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है वो अपना रजिस्ट्रेशन अब करवा सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है इस पोर्टल पे, जिसका नाम है कोविन पोर्टल, जिसका एड्रेस है www.covin.gov.in। तो यहाँ पर हम अपना, ये येलो कलर का एक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन साइन इन योरसेल्फ। आप यहाँ आरोग्य सेतु के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम यहाँ मोबाइल नंबर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो इसमें क्लिक करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, जो भी मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हो। गेट OTP पे क्लिक करना है। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, उस OTP आपको उसमें इंटर कर देना है। OTP मैंने डाल दिया है, वेरीफाई एंड प्रोसीड। रजिस्टर मेंबर इसमें जाके ID प्रूफ सेलेक्ट करना है। ID प्रूफ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट करके वोटर ID भी डाल सकते हो। तो ये सब अपना सेलेक्ट करके आप डाल सकते हो। यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ पर आधार कार्ड में जैसा नाम दिया हुआ है सेम वैसा ही डालना है। मेल हो या फीमेल हो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ, जैसे किसी का ईयर डेट ऑफ बर्थ है 10/9/1955 या 10/9/1990,
तो उसको खाली 1990 ही डालना है। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देना है और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो मेरा दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसमें लॉगिन कर सकते हो। जहाँ पर पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहीं पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हो। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया फिर आप अपने मोबाइल नंबर से फिर से लॉगिन कर सकते हो। आपको अपना मोबाइल नंबर फिर से डालना होगा, गेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के लिए ये लॉगिन हो गया है। इसमें नाम वगैरह दिखाया है, इसमें आप शेड्यूल सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। शेड्यूल नाउ, शेड्यूल का बटन दबा कर शेड्यूल नाउ करने से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा कि आप कितने टाइम लगा सकते हो। बस इतना ही इसका प्रोसेस है। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। तो COVID-19 के वैक्सीनेशन के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। और आज का वीडियो हमारा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पता हो कि COVID-19 के वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।